नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इफ़ द फॉरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ओफ एक्स एंड एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड एफ ओफ एक्स टेंस टू जीरो एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, देन साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एस कोस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ओफ एक्स। सो मैं इसका यूज़ करके इसका ये सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। देखो साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश एक्स, सो उसकी आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, जीरो टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स, यानी कि एफ ओफ एक्स जो भी आपके पास यहाँ हो वो लिखा मैंने यहाँ, और साइन एस एक्स डी एक्स। ओके सो वैल्यू क्या होगी, जीरो टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स एफ डैश एक्स एंड डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, साइन एस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज एज इट इज एंड द लिमिट इज जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एस एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ एस एक्स इज एफ एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके अब आप सब्सिट्यूट कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स की वैल्यू आपके पास एट इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू देता है, जीरो देता है। यहाँ आप जीरो सब्सिट्यूट करोगे लोअर लिमिट में तो क्या हो जाएगा, जीरो। इट मीन्स दोनों वैल्यूज के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी, सो मैंने माइनस एस को बाहर रखा, जीरो टू इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स एंड कोस एस एक्स डी एक्स, ठीक है। और मुझे शो भी ये करना था कि अगर आपको साइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना हो किसका, एफ डैश का, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म करेगी, माइनस एस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके सेकंड पार्ट इज दैट कोस ट्रांसफॉर्मेशन एफ डैश एस इज इक्वल्स टू एस कोस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो। सो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, फर्स्ट आपके पास क्या फाइंड आउट मुझे यहाँ करना है, कोस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, जीरो टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स कोस एस एक्स डी एक्स, बाय पार्ट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कोस एस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे। सो कोस एस एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज एफ ओफ एक्स जीरो टू इन्फिनिटी माइनस जीरो टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ कोस इज माइनस साइन एक्स और एस आएगा तो मैंने उसको बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश इज एफ ओफ एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ लिमिट सब्सिट्यूट कीजिए, देखो यहाँ मेरे पास फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट अगर हम देखें तो वो आपके पास क्या है, इन्फिनिटी। अब आप सब्सिट्यूट कीजिए, देखो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स आपको क्या वैल्यू देगा, जीरो। सो अपर लिमिट क्या हुई, जीरो। माइनस सब्सिट्यूट कीजिए लोअर लिमिट, कोस जीरो आपके पास क्या फॉर्म करेगा, वन एंड एफ ओफ जीरो एस, और ये आपके पास क्या है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ओफ एक्स। ओके तो वैल्यू आपके पास क्या आई, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एस माइनस एफ ऑफ जीरो, ये आपको शो करना था। सिमिलर केस में आपके पास यहाँ देखो, सिमिलर केस में आपको यहाँ डबल डेरिवेटिव के लिए फॉर्म गिवन है, सो आप डबल डेरिवेटिव के लिए भी यहाँ केस मतलब फाइंड आउट कर सकते हो कि उसकी क्या कंडीशंस होंगी क्या नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल देखो क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, डिफाइन अ फंक्शन। मैंने एक एफ ऑफ टी फंक्शन डिफाइन किया जिसकी कंडीशन आपके पास क्या है, ई माइनस एक्स टी फाई टी, ये एफ ऑफ टी तो मैंने वैल्यू ली है ग्रेटर देन जीरो के लिए, और जीरो वो कब है जब एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, लेस देन जीरो। सो मैंने यहाँ यूज़ किया किसका, फोरियर का, तो उसकी वैल्यू आपके पास कॉरस्पॉन्ड टू एफ ऑफ टी क्या देता है, वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैंने कोई भी एक फंक्शन ले लिया वाई
माइनस वाई टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप अगर इस फंक्शन को देखो तो इसकी लिमिट जीरो पर ब्रेक हो रही है, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, जीरो पर ब्रेक किया, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई माइनस आयोटा वाई टी डी टी प्लस जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई माइनस आयोटा वाई टी डी टी। ओके, सो माइनस लेस देन जीरो पर वैल्यू क्या है, जीरो। सो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहाँ देखो क्या कहता है, जीरो टू इन्फिनिटी, तो ग्रेटर देन के लिए क्या कंडीशन है, माइनस एक्स टी फाइव टी। सब्सिट्यूट करेंगे क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस आयोटा वाई टी ई माइनस एक्स टी फाइव टी एंड डी टी। इसको कंबाइन करते हैं तो वैल्यू क्या आई, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई टी फाइव टी डी टी। अब मैंने इसको किसका नाम दे दिया, एस का, जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी फाइव टी एंड डी टी। अब ये आपके पास क्या फॉर्म करता है, लाप्लास, किसके इक्वल हो गया है, ठीक है, ये रिलेशन है आपका किसका, लाप्लास और फूरियर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, पर्जोल्स आइडेंटिटी फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म। If f of x and gx denote करते Fourier transformation of f of x and gx, then you have to show that minus infinity to infinity f of x dx is equals to 1 by 2 pi minus infinity to infinity. ओके, तो वैल्यू देखो आपके पास क्या होती है, फर्स्ट मैंने इस रिजल्ट का यूज़ किया, देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, वन बाय टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ओफ एस ई आयोटा एस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एज इट इज। अब वन बाय टू पाई को मैंने बाहर रखा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये एफ ओफ एक्स है, सो डी एक्स को मैंने कंबाइन किया, जी एस को बाहर रखा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स ई आयोटा एस एक्स डी एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब आप अगर इस टर्म को देखो तो ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एस है, वन बाय टू पाई बाहर, ये क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एस, और ये वैल्यू आपके पास किसकी है, ये आपको शो करना था, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्म की हम बात करें तो वो ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आपके पास कहते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स ई माइनस आयोटा आयोटा एस एक्स डी एक्स, ये क्या होता है आपके पास एफ ओफ, ठीक है। सेकेंड पार्ट अगर सेम हम देखें तो आपके पास यहाँ वैल्यू क्या है, आपको किसके लिए शो करना है, एफ ओफ एक्स के लिए, सो जी एक्स को मैंने क्या सब्सिट्यूट कर दिया, एफ ओफ एक्स, क्या वैल्यू हो जाएगी, एफ ओफ एस बार डी एस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स बार इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपको शो करना था। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एस एंड जी एस रिस्पेक्टिवली डिनोट द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एस, दो कंडीशंस आप उसने आपको दी है कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स, सो यू हैव टू शो दैट टू बाय पाई जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस जी एस डी एस माइनस जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। सो आप इसको अप्लाई कीजिए, देखो माइनस जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स को सेपरेटली रखा हमने, यूज करा इनवर्स आइडेंटिटी का, तो देखो जीरो टू इन्फिनिटी टू बाय पाई कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन कोस एस एक्स एंड डी एस डी एक्स, जी एस को आप बाहर रखिए, एफ ऑफ एक्स को हम अंदर लेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आती है, को साइन ट्रांसफॉर्मेशन,
वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिए, सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, अगर आपके पास आइडेंटिटी क्या है सब्सिट्यूट करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए है, सो हम क्या कर देंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स। ठीक है, ये देखो सिमिलर केस में आपके पास किसके लिए वैल्यू आती है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और इसी आइडेंटिटी के बिहाफ पर हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप आर्टिकल्स को फिर से रीड करना, कोई डाउट हो तो फिर बताना।